what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Hello, namaskar, adab and sat sri akal friends. तो जैसा कि हम हैं पिक्चर पैलेस पे और यहाँ से हम आपको लाइब्रेरी चौक तक लेके जाएंगे, पूरे मॉल रोड की सैर कराएंगे आपको, पूरे वेदर जो है यहाँ का दिखाएंगे, यहाँ पर जो मॉल रोड पे होटल्स हैं वो आपको दिखाएंगे, मॉल रोड पे जितने भी सीनिक व्यू आते हैं आपको सारे पहाड़ों के दृश्य भी हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉल रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आई थिंक ये पानी की कोई पाइपलाइन की प्रॉब्लम है, उसके लिए काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद मॉल रोड पे घूमने का तो अलग ही मजा है। ये कब तक ठीक होगा कुछ नहीं कह सकते, यहाँ के लोगों से भी पूछा, उन्होंने बताया काफ़ी लंबा काम चल रहा है ये। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इंजॉय पूरा कर सकते हैं, ऐसी कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। और ये पुलिस चौकी जो आप कुल्हड़ी की देख रहे हैं ये नई बनाई गई है, बिल्कुल शिमला में जैसे है टाउन हॉल जो है वैसे बिल्कुल लुक दी गई है। बहुत ही सुंदर ये चौकी बनाई गई है, बाहर से, अंदर से तो मैं नहीं कह सकता लेकिन बाहर से काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में। तो गाइज ये जो मॉल रोड है ये 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी है, एक छोर से दूसरे छोर तक, पिक्चर पैलेस से लेके लाइब्रेरी छोर तक 2 से 2.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है यहाँ का। और ये सबसे खूबसूरत इंडिया की तो मैं कहूँगा ही, शिमला की भी मॉल रोड इसके बाद आती है क्योंकि इतने सीनिक व्यू शिमला के मॉल रोड पे नहीं आते जितने कि यहाँ पे मसूरी की मॉल रोड पे आते हैं। और मैंने तो मतलब 5 कंट्रीज में घूमा हूँ, वहाँ पर भी मेरे को हिल स्टेशन पे भी गया हूँ, वहाँ पे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, लेकिन ऐसे नज़ारे मुझे कहीं देखने को नहीं मिलते जितने सुंदर ये मॉल रोड मसूरी की है। तो गाइस हम बाजार से मार्केट से निकल रहे हैं, ये मॉल रोड का ही एरिया है और यहाँ पे खाने पीने की जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी मिलती हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, वहाँ पे लवली ऑमलेट आएगा जो कि बहुत फेमस है, हर जगह पे उसका नाम है, सचिन तेंदुलकर जितने भी सेलिब्रिटी आते हैं वो भी यहाँ पे खाते हैं और वहाँ पे वेटिंग करनी पड़ती है। ये आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे बन टिक्की वाले अंकल हैं, उनकी शॉप है, जिनकी शॉप पहले जो ये आगे वेजिटेबल की शॉप है यहाँ पे हुआ करती थी, इनकी भी बन टिक्की काफ़ी फेमस है। अब ये शॉप इन्होंने खाली करवा ली है, जिनकी लीज थी पूरी हो गई है और अब वो बिल्कुल सामने चले गए हैं जहाँ पे मसूरी स्वीट शॉप देखा हुआ है, ये देखिए ये हैं। और इनकी बन टिक्की काफ़ी फेमस है, आप आएँ और ज़रूर खाइएगा। और गाइज ये इंदर स्वीट शॉप है, बंगाली मिठाइयाँ यहाँ पे होती हैं, अगर आप शौकीन हैं मिठाइयों के तो आप ज़रूर खा सकते हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया मिठाइयाँ होती हैं यहाँ की। और ये होटल मिनरवा है, साथ में सैंडोज है, इसकी भी दिल्ली में काफ़ी ब्रांचेज हैं, हर जगह पे ब्रांचेज है, खाना बहुत बढ़िया होता है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा महंगा होता है लेकिन खाना बढ़िया होता है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ये साथ में ये चर्च है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, इसके टाइमिंग होते हैं खुलने के, शाम को खुलती है और सुबह खुलती है। और यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे तो लवली ऑमलेट कॉर्नर आ जाएगा, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी वेटिंग होती है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप यहाँ पे खड़े होके 20 मिनट 25 मिनट लगते हैं आपका नंबर आ जाएगा, कई बार 10 मिनट में भी आ सकता है, वो आधा घंटा 40 मिनट बोलते हैं लेकिन 10-15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा। थोड़ा अलग ऑमलेट होता है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा दूसरे ऑमलेट से। तो गाइस यहाँ से हम अभी थोड़ा 500-700 मीटर और आगे जाएंगे तो गनहिल रोपवे आ जाएगा। और उससे पहले जो ये जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ से बहुत बढ़िया सीनिक व्यू आते हैं। उल्टे हाथ पे आप यहाँ पे खड़े होइए, आपको बहुत अच्छी हवाएं यहाँ पे आएंगी, बहुत ठंडी हवा यहाँ चलती है, बादल भी होते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करेंगे यहाँ पे आप अगर खड़े होंगे थोड़ी देर। तो गाइज अब धीरे धीरे जो है शॉप्स कम होती जाएंगी, आगे जाएंगे तो उतने ही सीनिक व्यू हमें देखने को मिलते रहेंगे। तो गाइज अब हम होटल नाज वाली साइड पहुंच चुके हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में नीचे उतरेंगे तो होटल नाज आ जाएगा। अगर आप मॉल रोड पे रहने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये लोकेशन बहुत अच्छी साबित होगी क्योंकि इसका प्राइस जो है ऑफ सीजन में 800,000 रुपये तक होता है और सीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आप इस होटल में रुक सकते हैं। और ये देखिए ये आप अगर थक गए हैं तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, ये कालसंग है और यहाँ पे सामने 2 बुक शॉप हैं, अगर आपने बुक खरीदनी है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं।
तो गाइस अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, अब जो सीनिक व्यू आएंगे वो देखिएगा कितने ही अद्भुत सीनिक व्यू होंगे। जितना देर मर्जी आप, मैं यहाँ पे आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा मैं खड़ा होता हूँ, और रात को तो मैं यहाँ पे आके एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने बढ़िया हवा चलती है, इतनी ठंड होती है यहाँ पे कि बैठने का मज़ा आ जाता है, और आसमान साफ होता है तो ऊपर तारे ही तारे होते हैं, चंद्रमा जो है बिल्कुल साफ नज़र आता है, और मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कि ये कितनी सुंदर जगह है बैठने के लिए, आप यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम रोपवे सेंटर पे पहुंच चुके हैं, इस जगह को झूलाघर भी कहा जाता है, और यहां से गनिल जाने के लिए रोपवे चलती है, आप 180 रुपए देके यहां से गनिल इजीली जा सकते हैं, और अगर आप पैदल जाना चाहें तो 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन गाइस अगर आप मेरी माने तो आप पैदल जाएंगे तो इतने बढ़िया सीनिक व्यू आपको देखने को मिलेंगे, आप पूरा मजा करते हुए ऊपर जाएंगे और आपको बहुत आनंद आएगा वो करने में। तो गाइस अब हम यहां से लाइब्रेरी चौक की तरफ चल पड़ते हैं, और भी ज़्यादा सीनिक व्यू आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे, मार्केट भी देखने के लिए मिलेगी, लकड़ी का सामान भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि मॉल रोड पे अभी भी जो है काम चल रहा है, सामने आप देख सकते हैं हॉलीडे इन आ गया है, ये भी आप ऑफ सीजन में यहाँ पे रह सकते हैं, आपको 2-2.5 हज़ार रुपये का यहाँ पे रूम मिल जाएगा, 3-स्टार प्रॉपर्टी है ये, और यहाँ से भी जो देहरादून के व्यू हैं काफ़ी अच्छे आते हैं, मैं यहाँ पे स्टे कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छा होटल है, और गाइस ये होटल हवार्ड है, और यहाँ पे भी मैंने स्टे किया है, पिछले साल ही मैंने स्टे किया था यहाँ पे, 800 रुपये का मैंने रूम बुक किया था जो कि मैंने मेक माई ट्रिप से किया था, और ये देखिए ये होटल गढ़वाल टेरेस है, ये भी महंगा होटल है, मॉल रोड पे रहने के शौकीन है आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आपके साथ कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है और वो मॉल रोड पर चलते चलते थक जाते हैं, तो जो सेंटर है झूलाघर का वहां से लाइब्रेरी चौक के लिए जाने के लिए 50 रुपए सवारी के हिसाब से रिक्शा चलता है, और आप वहां पे बैठ के आराम से रिक्शा पे जा सकते हैं। और अभी देखिए बादल बहुत पास आ गए हैं हमारे, मॉल रोड पे बादल ही बादल आ रहे हैं, आप भी देखिए नजारा। तो गाइस हम कैमल बैक रोड पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारे होटल्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं, ये आपको सीजन में भी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे, क्योंकि मॉल रोड की जो बैक साइड है वो कैमल बैक रोड है, और वहाँ पे आप एक तो वहाँ पे शोर शराबा नहीं होता, वहाँ पे आपको रहने का आनंद आएगा, और जो होटल्स हैं वो भी आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगे, और बाकी
आप यहाँ पे चिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा मिलता है, मोमोज, कॉर्नस और तरह तरह के जो मैगीज हो गई वो बहुत यहाँ पे स्टॉल काफ़ी लगे होते हैं और रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और गाइस एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि जैसे कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है या टू व्हीलर है तो वो मॉल रोड पर उसको लाने के लिए अगर आप मॉल रोड पर होटल लेते हैं और आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपकी 150 रुपये की पर्ची कटती है, उसको पे करके आप अपनी गाड़ी या बाइक जो भी है वो अपने होटल में ला सकते हैं जहाँ पे आपने स्टे किया हो। और उसमें भी टाइमिंग होती है कि आप जो मेन टाइमिंग होती है शाम की और जो सुबह की, उसमें आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते क्योंकि शाम को मॉल रोड पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अगर गाइज आप जैसे कि ज़्यादा लग्जरी नहीं चाहते तो ये सामने मंदिर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। और जो गुरुद्वारा साहब हैं मैंने वहाँ का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, लंडूर का किया हुआ है, पिछले साल मैंने जो लाइब्रेरी गुरुद्वारा साहब है वहाँ का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और इस बार भी मैं गुरुद्वारा साहब का जो लाइब्रेरी वाले गुरुद्वारा साहब हैं यहाँ का वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ, आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं, वहाँ पर लग्जरियस रूम भी बने हुए हैं। सामने आप गुरुद्वारा साहब देख सकते हैं, नीचे रूम बने हुए हैं और मंदिर में भी सेम ऐसे सिस्टम है, ऊपर मंदिर है और नीचे के रूम बने हुए हैं। इसी जगह को गाइस लाइब्रेरी चौक कहा जाता है और गांधी चौक भी जो है इसी जगह को कहा जाता है। अभी मैं आपको गांधी जी की प्रतिमा के पास ले चलता हूँ जहाँ पे गांधी जी बने हुए हैं। तो गाइस आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए क्योंकि आने वाली सीरीज में जो ये सीरीज चल रही है इसके अंदर आप मसूरी के बारे में बहुत कुछ देखेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।